chín chín cả tôi vừa lấy chín cả chín này con tà ra chứ sơn cả chỉ được đẹp rồi đó tà chơi đấy rùa hôm mặt chơi rùa rùa mặt chơi nên đi kì để xem tí này yes cái bài đây बारिश में ना बैठे वाली मच्छी होता है बैठे है इसको अलग से बनाने को कितना बड़ा बैठे है इसको मैं अलग से निकाल के बोल देती हूँ अच्छा है ये बैठे इसका ना पापलेट बनते हैं ना नदी की वो है अभी तो रख दूंगी फ्रिज में बनाऊंगी ठीक है कड़ी पत्ता डालने का पहला उसमें फिर पिसेला मसाला अदरक लहसुन दो चम्मच दो चम्मच टमाटर कांदा पिसा हुआ जो पहले से रखी थी मैं पीस कर जरा भून लेने का उसको पहला थोड़ा से एक खटाई जो सूखा होता है ना कैरी का अचार वाले के पास मिल जाती है उसको बोले खटाई दो तो देते खट्टे के लिए खटाई इमली नहीं था मेरे पास खटाई डाली मैं तो इमली भी डाल सकते उसमें ऐसा पोच के मिक्सर से डाल देना का मेरा गैस मुझे लगा बंद हो गया था लेकिन चालू था मिक्सर में थोड़ा पानी डाल कर रखने का वो पानी बाद में इसमें सलाद में डालने इस्तेमाल कर सकते मसाले को अच्छा भून के लेने का ये भूनने बाद में ऊपर से मसाले डालने के बाद में हल्दी आधा चम्मच हल्दी डाली मिर्ची पाउडर डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर डालना है ज़्यादा नहीं डालना है आधा चम्मच धनिया डेढ़ चम्मच मिर्ची पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर ये टमाटर का सालन बना लिया मैंने टमाटर इसमें खोपरा नहीं डालने का मसाले को अच्छा भुनने तेल आए तो भुनने का अच्छे से भून लो ढक्कन लगा के थोड़े देर रख देने का उसको अच्छा चल इसमें तेल छूटे तक भून देने का खट्टा ही है मेरा वो खट्टापन छूट जाएगा वो पानी थोड़ा डाल देने का सर जो मैं रखी थी ना मिक्सर में पानी डाल के देखो वो बनाया ना तेल छोटा देखो तेल छोटे बाद पानी जितना मांगता है उतना जितना अपने को पानी मांगता है उतना डालना लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना नमक डालने का उसमें
मुझे पानी कम लगा था तो थोड़ा और डाली। अपने हिसाब से नमक डालने का, अपने स्वाद अनुसार। ठीक है, अभी उसको अच्छा उबाल लेने का, जोश आए बाद में मच्छी डालने का, उसमें उसमें अच्छा जोश आने देने का। दूसरे केस में मैंने दाल रखी हूँ, बराबर उबल आते ना, उबल आने में दूसरी गैस पे मैं अभी इसमें कुकर में भाजी बना रही हूँ पापड़ी का। जब तक वो उबल आने दो, जब पकने दो सालन को, ये पकड़ा पापड़ी या बटाटा है, इसमें थोड़ा झींगा डालूँगी मैं, जो टेस्टी बनती है भाजी। ये झींगे बड़े बड़े थे मैंने, और अभी साफ करने का मैं दिखाई थी ना आपको, वही झींगे बड़े बड़े थे ना उसके, मैंने एक झींगे के दो टुकड़े कर लिए। ये भी हो गया है मेरा जो सारा सालन, इसमें भी भाजी बना दी दोनों का। मेरी मच्छी है, मच्छी की मुंडी, ये रुआ मच्छी, रू मच्छी। सालन में मच्छी की मुंडी डालने का टेस्टी बनती। ये मुंडी है, ये मैंने थी किधर गई थी कैमरा छोड़ के, तो ये मेरी बच्ची कर रही थी, देखो कैसी मच्छी डाल रही है, एकदम नजाकत से, एकदम स्लो स्लो डाल रही है। मच्छी डालने के बाद में और थोड़ा उसको उबल आने देने का, ज़्यादा पकाना नहीं मच्छी को, एक दो उबल आ जाए ना बंद कर देना। ये मेरा कांदा कच्चा पक्का होगा, ज़्यादा पकाने का नहीं पकाने को, ये मेरी दाल है। मिर्ची और लहसुन पीस के रखी हूँ, वो डालने का उसमें, हरी मिर्ची पीस के रखी, हरी मिर्ची मैं बनाऊँगी इसको। मिर्ची पीस लूँगी, थोड़ी हल्दी डालने का आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालती, थोड़ा कलर के लिए थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालने का। हरी मिर्ची डाला हुआ है ना, इसके लिए जरा सी डालने का, ये झींगा भून लेने का, सिर्फ झींगा चुन चुन के डालने, थोड़ा मसाले में भून लेने का।
ये मेरा कुकर है ना दाल का, इसलिए ऐसे लग रहा है। दाल खाली करी ना तो उसमें रखी तो थोड़ा जल गया वो कुकर। ये देखो ये बंद कर दी, अब इसमें कोथमीर डाल के ढक्कन लगा, हो गया मच्छी का सालन मेरा। अब ये भाजी और अब भून लेने का झींगे को, अब ये भाजी डाल दूंगी पूरी। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालने का, आधा गिलास पानी डालो, थोड़ा नमक, अपना स्वाद अनुसार नमक डाल दो। अच्छी तरह हिला के उसको एक सीटी ले लेने का बना, ढक्कन लगा के। मेरी दाल सब चिटक गई है ना उसमें कुकर में, उसको निकाल रही थी मैं। एक सीटी ले लेना था उसको, ज़्यादा पकाने का ना गल जाएंगे बटाटे। एक सीटी में हो जाते बंद कर देना था गैस। ये देखो है ना, हुआ ना एक सीटी में अच्छे बन गए। देखो थोड़ा उसमें भी कोथमीर डाल देने का है तो डालने का, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरे पास था इसके लिए डालती, ये मेरे चावल है अभी चढ़ाऊँगी। ठीक है ना, मेरा फ्रिज साफ कर रही हूँ। फ्रिज साफ कर रही हूँ, सिर्फ उसके सामान धोई थी ना, अभी वो लगा रही हूँ मैं उसको। फ्रिज वाला फ्रिज बना के गया है। साफ लग रहा है फ्रिज, अब संभाल संभाल के लगा। धोकर रखी थी सो, बंद करके देख रही थी दरवाजा बंद हो रहा है क्या, थोड़ा एयर रॉन्ग लगा दी लगता है ना, गलत लगा दी। अभी इसको सीधा करती, ये निकाल के ऊपर था और नीचे था, थोड़ा नीचे लगा दी तो शायद नीचे का है वो। हाँ नीचे का था, हम बराबर है। देखो मेरे फ्रिज के कितने सामान है, बाप रे जितने बड़ा फ्रिज उतना सारे सामान है क्या? नहीं हाँ बोल। ऐसा नहीं, मेरे बाजू में बैठी है, कुछ बोल रही नहीं तो उसका पटर 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 चालू रहता है। बोल कुछ। क्या बोलूँ क्या बोलूँ, तुम वॉइस ओवर कर रहे हो ना, तुम बोलो। कुछ मदद नहीं करी? हाँ एक भी मदद करने में दिखी क्या तुमको? झूठ मत बोलो, मैं कैमरा कर रही थी, तो मदद कैसे करूं? इतना जोर बोलती है, तो मैं कैमरा नहीं कर रही थी। ये मेरा हायर का है फ्रिज, हायर हायर कितना बड़ा है। देखो और भी सामान पड़े,
एक एक चीज पोछ पोछ कर रखी सब धोकर रखी थी पहले सुबह ही खाना बना के हो गया तो मैं बोली चलो फिर इसका काम कर देंगे आज बना कर रहे थे हाँ? आज पहली बार मम्मी वॉइस ओवर कर रहे हाँ ना ये तो सायमा सानियाज करती ना हाँ हाँ मैं सानिया शीट ब्लॉग्स हाँ वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अब आया आज ये हो गया लास्ट है मेरा उसके बाद मेरी फ्रिज की सेटिंग हो गई ना क्या क्या बोलते फ्रिज की सेटिंग हो गई सेटिंग हो गई क्या हो गई फ्रिज सेट हो गया क्या हो गया सेट हो गया सेट हो गया फ्रिज की सेटिंग हो गई ब्रिज की हो गया ब्रिज में बंद हो गया था ब्रिज की सेटिंग हो गई है मैंने सेट करा दी बस मेरा काम हो गया सेट करा सेट होता है वो यार मम्मी सबकी सेटिंग कराने वाले हैं जिसको जिसको सेटिंग करने कमेंट करना देखो कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रिज एकदम चकाचक कैसा लग रहा है तेरे को बहुत अच्छा हाँ अभी गंदा कब करेगी तरसो गिरा पड़ा के नहीं बकरीद के 2-3 दिन पहले ही हमारा फ्रिज खराब हो गया और बकरीद के दिन के लिए हम लोग को है ना हम लोग का सब जो गोश आया था ना किधर किधर से और हम लोग के बकरे का गोश वो हम लोग को आस पड़ोस के फ्रिज में रखना पड़ा था क्योंकि हमारा ये वाला जो बड़ा वाला फ्रिज था ना वो ख़राब हो गया था फिर जब ही 2-3 बकरीद के 2-3 दिन बाद हम लोग का एक फ्रिज आया और फिर उसके एक दिन बाद दूसरा फ्रिज आया मैं आगे वीडियो में आपको देखने मिलेगा फ्रिज वो फ्रिज किसने दिया एक अब्बा का है और एक सेकंड हैंड अब्बा का कहाँ से अब्बा का कहाँ से अब्बा का मतलब अब्बा ने लिए थे अब्बा ने लिए थे काहे के लिए थे अब्बा ने बैकअप के लिए रखे थे ऑफिस के लिए रख लिए थे ऑफिस के लिए लिए थे अब्बा के अच्छा हाँ मुंबई से आया हूँ और जो दूसरा फ्रिज है वो अब्बा ने सेकंड हैंड लिए थे ना और जो फ्रिज बनाने आया था ना उसने अपने तरफ से ला के दिया जब तक तुम लोग ये वापरो मैं फ्रिज बना थोड़े दिन लगेगा बनाने ऐसे बोला था अच्छा क्यों तुझे मालूम नहीं है घर में नहीं रहती है कोई कुछ बताता ही नहीं है कुछ तो देखो मेरा काम चालू है इधर मैं ही मम्मा की हेल्प करती हूँ सिर्फ और कोई हेल्प नहीं करता मम्मा की है ना मम्मी हाँ वाटर रखने का देखो ये मेरा इसको वहाँ से सेट कर दे इधर मैं हाई कर रही थी है ना कौन कौन चाहता है कि मैं होम टूर दूँ अपना कमेंट करना फिर मैं होम टूर दूंगी ये वो फ्रिज जो वो रिपेयर करने वाले ने दिया था अभी इसमें से सब सामान निकाल लिए क्योंकि जो हायर का फ्रिज था ना उसको अभी कूलिंग के लिए रखा है इसलिए इसको साइड में कर दिया और इसमें से सामान थोड़ा निकाल लिया है थोड़ा सामान है इसमें ये मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी क्योंकि ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा था आस्ते आस्ते सब सेटिंग शिफ्ट करेंगे हम लोग अभी बड़े फ्रिज में फिर सेटिंग करेंगे बोले अभी घर और ये दूसरा फ्रिज है जो हॉल में था वो दोनों किचन के बाजू के रूम में थे और ये वाला फ्रिज हॉल में रखा हुआ है ये भी चालू है फ्रिज ये चालू है इसमें सब है और बर्फ जमा हुआ देखो और इधर की स्नो से मैं और सायमा दीदी कभी कभी खेलते हैं और हम लोग को कभी ना चोट वोट लग जाती है ना ऐसे लगता है कि हम लोग कश्मीर में आ गए हाँ ऐसे स्नोबॉल बना के खेलते हैं हम लोग मजा आती है हाँ कितने सामान पड़े मेरा मेरे पास चीज तरकारी हम लोग को दो फ्रिज कम पड़ा बोलो
दो फ्रिज लिए, फिर भी अभी हमारे वो घर दोनों में कम पड़ तीन गया। तीन फ्रिज, मेरे घर में तीन तीन फ्रिज। तेरे घर में कितना फ्रिज है? तीन, लेकिन मेरा फेवरेट यही फ्रिज है। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।